जय बद्री विशाल। दोस्तों नमस्कार। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे और ये देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम की अद्भुत झलक और पौराणिक परंपरा जो आज भी चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम में नंदा देवी महोत्सव 3 दिवसीय ये नंदा सुनंदा महोत्सव के नाम से जाना जाता है और वो मनाया जा रहा है। और बद्रीनाथ धाम से माँ नंदा को बुलाने के लिए लोग जाते हैं जो उच्च हिमालय क्षेत्र में जाते हैं और वहां से ब्रह्म कमल के फूलों को लेकर आते हैं। जैसे ही वो फूल वहां पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि यही माँ नंदा के स्वरूप में यहाँ विराजमान होती है। ये लोग जिन्होंने ये छतरी पकड़ी है अपने पीठ पे कंडी लगाकर, नीलकंठ जो बद्रीनाथ धाम के पीछे है, हमेशा आपको बर्फ से लगदग मिलेगा, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दिखाई देता है, वहां जाना पड़ता है। उसका उत्साह इतना जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर कोई बहुत उत्साहित होता है क्योंकि माँ नंदा का 3 दिवसीय जो माँ नंदा है, नंदा देवी आपने सुना होगा, नंदा देवी राज जात, तो पहाड़ों की कहीं पे नंदा देवी को बेटी मानते हैं तो कहीं पे बहू मानते हैं। जिस तरह से बेटी की विदाई होती है और जिस तरह बहू का स्वागत होता है वो परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ से आज फुलारी ब्रह्म कमल के फूल लेने के लिए नीलकंठ पर्वत की तलहटी में जाएंगे जहाँ पे बर्फ होती है। उच्च हिमालय में ब्रह्म कमल के फूल पाए जाते हैं और उसका उत्साह, हर कोई उनको लेने के लिए जाने के लिए तैयार है। और ये सभी लोग जो यहाँ गांव के लोग हैं वो भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पहुंचकर यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद ये लोग यहाँ से रवाना होंगे। उसका उत्साह इतना है कि हर कोई नाचता गाता झूमता। इस समय पहाड़ों में हर तरफ आपको अलग अलग मेले देखने को मिलेंगे क्योंकि इस समय मेलों का समय चल रहा है। पहाड़ों में खासकर हर तरफ इस समय मेले चल रहे हैं, कहीं नंदा देवी मेले, कहीं इसके बाद अलग मेले, और बद्रीनाथ धाम में अब मेलों का सिलसिला देखने को मिलेगा। दिवाली तक ये इसी तरह चलते रहेंगे, कभी कोई सा मेला कभी कोई मेला, इस तरह से लगातार अब पहाड़ी जो पुरानी परंपराएं हैं वो सारी आज भी जीवित हैं। और ये भगवान बद्री विशाल के जो अंदर है वहाँ पे नाचते गाते हुए हर कोई अब तैयारी में है कि माँ नंदा को बुलाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। और माँ नंदा ब्रह्म कमल के रूप में जब आएगी तो बहुत उत्साह यहाँ पे देखने को मिलता है। माँ नंदा जो महोत्सव होता है, नंदा देवी मेला, जो बामणी गांव है बद्रीनाथ से आधा किलोमीटर की दूरी पे बामणी गांव है, वहाँ पे ये मनाया जाता है और बहुत ही भव्य होता है। जो इनकी कंडियाँ होती हैं वो ब्रह्म कमल के फूलों से पूरी तरह से भरी हुई होती हैं और इनके हाथ में हरियाली दिखाई दे रही है। ये हरियाली लोग पहले से माँ नंदा को बुलाने के लिए लगाते हैं और अब ये सभी लोग यहाँ से जाने के लिए, इसमें से सभी लोग नहीं जाएंगे, मतलब सभी लोग वहाँ पे इनको भेजने के लिए आए हैं। और यहाँ से अब कुछ ही लोग नंगे पैर बद्रीनाथ से 7-8 किलोमीटर दूर जाएंगे और वहीं रात को रहेंगे। और दूसरे दिन सुबह नहाने के बाद, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाने के बाद, ब्रह्म कमल के फूलों को तोड़ने का काम शुरू करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। बहुत ही शुद्ध भाव से ये करना पड़ता है। और जब ये ब्रह्म कमल के फूल कंडियों में भर के बद्रीनाथ के बामणी गांव पहुंचते हैं तो फिर माँ नंदा का जो भव्य स्वागत होता है, यहाँ पे अवतारी पुरुष एकदम अवतार लेते हैं और बहुत सारी परंपराएं हैं पहाड़ की। और ये भगवान बद्री विशाल के मुख्य द्वार के आगे सब आगे हैं। और अब यहाँ से ये लोग जिनके गले में माला है, कुछ एक लोग यहाँ से नीलकंठ जाएंगे जहाँ से वे ब्रह्म कमल के फूलों को तोड़कर लाएंगे, अपनी कंडियों में भर के लाएंगे। और यही ब्रह्म कमल के फूल अगले दिन लोगों को बांटे जाते हैं ताकि हर कोई अपना प्रसाद के रूप में उस ब्रह्म कमल को अपने घर ले जा सके, सुख संपत्ति ला सके। और ये रास्ते इतने कठिन होते हैं, ये देख सकते हैं अब आप किस तरह से ये लोग जा रहे हैं जो ब्रह्म कमल के फूलों को लेने के लिए, माँ नंदा को लेने के लिए गए हैं, ये नंगे पैर जा रहे हैं और कैसे रास्ते हैं ये देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ये पौराणिक परंपराएं हैं, आज भी लोग जाते हैं। ये सिर्फ बद्रीनाथ में नहीं है बल्कि यहाँ जो जोशीमठ का इलाका है, जो इस क्षेत्र में है, ये इस क्षेत्र में भी मनाया जाता है और बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये इनको हम लोग फुलारी कहते हैं और ये फुलारी अब ब्रह्म कमल के फूलों को लेने जा रहे हैं और कल वापस लौटेंगे। जय बद्री विशाल।